हे गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर उषा। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, ये देखिए मेरे बेटे की अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है। और क्या तो पता है, परसों इसको इंजेक्शन लगाना था हमें, तो इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके गए थे। और 2 दिन से इसको फीवर है और अभी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं हुई है इसकी, लेकिन थोड़ी पहले से बेटर हो चुकी है, तो जिसकी वजह से ठीक है। तो अभी एक वीडियो शूट किया था जिसके लिए मैं थोड़ी सी तैयार हुई थी, तो अभी ये उठ गया है। तो अब जा रही इसको इसका खाना पानी देने, यानी कि इसको लंच कराने। हाँ जी, नीचे उतर हो गए, तो अभी इसको नीचे उतारते हैं। और इसके इसको मैं से मालिश करी थी मॉर्निंग में ही, और फिर बाद किसी कर देते हैं। किसी कर दो, पा दे दो, पा दे दो, मम्मा को पा दे दो, पा कर दो, पा दे दो मम्मा को, मम्मा को पा दे दो, पा कर दो, पा करो। अरे अभी पा हुआ करने का मन नहीं है, पा करने का मन नहीं कर रहा है अभी। कल कुछ सब्जियां लेके आए थे हस्बैंड, तो उन सब्जियों को मैं अब मैंने रात को ही धो दिया था, जिसकी वजह से इनका सब पानी अच्छे से निकल चुका है। तो सब्जियां काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं, तो अब सब्जियों को मैं एक एक करके फ्रिज में लगाऊंगी और सबको अलग अलग कर दूंगी, और उसके बाद मैं इनको सबको फ्रिज में लगा दूंगी। तो मैं सब्जियों को जब भी आती हैं सब्जियाँ, तो मैं उनको पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और जब वो सूख जाती हैं अच्छी तरह से, तो ही मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। और ऐसा मैं हमेशा ही करती हूँ, चाहे सब्जी हो या फिर कोई भी सामान आता है खाने पीने का, तो मैं उनको वॉश करके ही रखती हूँ। तो गाइस, सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज में लगा दिया है, लेकिन हरी मिर्च मैं ज़्यादा स्टोर करती हूँ, लाइक आधा किलो मैं ले लेती हूँ हरी मिर्च को स्टोर करने के लिए, तो इससे ये काफ़ी टाइम चल जाती हैं। और जब भी हरी मिर्च मैं लाती हूँ, तो उसको मैं उसकी जो डंठल है उसको मैं तोड़ देती हूँ। और ऐसा करने से क्या होता है ना कि हरी मिर्च ना लंबे टाइम तक चलती है। अगर आप भी हरी मिर्च को स्टोर करना पसंद करते हैं, या मतलब अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हरी मिर्च का, तो आप इस तरह से ज़्यादा हरी मिर्च को स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जब डंठल आप तोड़ेंगे तो ये लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर कर पाएंगे, जिससे कि हरी मिर्च ख़राब भी नहीं होती हैं और आप इसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आप डंठल नहीं तोड़ के रखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही हरी मिर्च जो है वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप हरी मिर्च को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप हमेशा इसकी डंठल को तोड़ के फिर उसको स्टोर करें, तो काफ़ी टाइम तक चलेंगी। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी की रेसिपी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर कट कर लिए हैं और 1 प्याज कट किया है बड़े साइज़ का, और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से कूट लिया है। और इसके बाद मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने सीताफल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, तो सारी सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो इसके अंदर हम हींग और जीरे का तड़का लगाएंगे। तो मैंने इसके अंदर हींग ऐड कर दिया है, और प्लस मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच मैंने इसमें जीरे को ऐड कर रखा है। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और जैसे ही जीरे का कलर चेंज होगा, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो मैंने कूट के रखे थे हरी मिर्च और लहसुन और अदरक को, उसको हम इसके अंदर अच्छे से ब्राउन होने देंगे। और उसके बाद भाई, जैसे ही लहसुन हरी मिर्च ब्राउन होगा, उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज, और अच्छी तरह से इसको हम ब्राउन होने तक इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने इसके अंदर प्याज को ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और इसको ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। तो इस तरह से इसको फ्राई करना है, 5 मिनट इसको ढक देंगे। तो गाइस, प्याज का कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है, तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कटा हुआ सीताफल, और अब सीताफल को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, और फिर इसको भी 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है, और अब मैंने इसको ढक दिया। तो गाइस, 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, तो ये जो सीताफल है वो भी अच्छे से भून चुका है इसके साथ। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ टमाटर, और टमाटर को ऐड करके 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मसाले हैं उनको। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच गरम मसाला है, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड किया है, प्लस नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है मैंने इसके अंदर। और इसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गाइज, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो है आमचूर, आमचूर या खटाई, या फिर आप इसके अंदर आम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास आम का अचार है तो आप इसका भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। तो गाइज, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। इस तरह से आप इसको ट्राई करें, और पूरी के साथ आप इसको खाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा इसका जो स्वाद है आपको आएगा। तो गाइज, इस तरह से इसको मिक्स करना है, उसको ढक के पकाना है। तो गाइज, ये देखिए मेरी सब्जी जो बहुत यम्मी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने पूरी बनाई है इसके साथ, और प्लस मैंने यहाँ पे हलवा भी बनाया है। मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने हलवा भी बना लिया। तो गाइज, सब्जी बहुत ही ज्यादा यम्मी है।
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आज का वीडियो आपको कैसे लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज की रेसिपी जो मैंने आपको बताई है वो आप शेयर किया वो आपको कैसे लगा ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही लगे इसके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।